नमस्कार, पत्रिका के विशेष कार्यक्रम कैरियर टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स की। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली लोग और मोस्टली छात्र छात्राएं से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में वो अपना एक कैरियर बना सकते हैं, CA भी बन सकते हैं और आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ में है जयप्रकाश सर, मैं उनसे बात करता हूँ कि जो कॉमर्स है वो उसमें कैरियर कैसे छात्र छात्रा बनाएं और जो इनकम ऑफ सोर्स हैं उसे कैसे बनाएं। चलिए मैं बात करता हूँ जयप्रकाश सर से, कैरियर टिप्स के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कैरियर जो छात्र हैं वो कैसे बनाएं। देखिए, आपका जो प्रश्न था वो था कॉमर्स विषय पढ़ कर के हम किस प्रकार अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकें, स्व व्यवसाय आरम्भ कर सकें। इन सब बातों पर मैं आज आपके सामने चर्चा करूँगा। मुख्य विषय यह है, आज के इस युग में, कंपटीशन के युग में, कोई विषय ऐसा नहीं है जो किसी रोजगार से संबंधित हो। एक समय था कि भाई वाणिज्य पढ़ने वाले बैंक में जाएंगे या व्यापार करेंगे, या साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, या आर्ट पढ़ने वाले के टीचर बन जाएंगे। लेकिन आज कंपटीशन का युग है, किसी विषय को पढ़ करके कोई भी किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कॉमर्स की, कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी, वाणिज्य का विद्यार्थी, इसके बहुत सारे स्कोप हैं। यदि वो ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से पढ़ता है तो 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। वो CS में जा सकता है, CA में जा सकता है। ये बहुत हार्ड लेवल की पढ़ाई है। मध्यम वर्ग के जो छात्र होते हैं, जो न ज़्यादा होशियार होते हैं और न ज़्यादा अच्छे कम होशियार होते हैं, ऐसे बच्चे टैली सीख सकते हैं। टैली सीख करके आज हर कंपनी में, हर प्रतिष्ठान में अकाउंट का काम होता है, उस अकाउंट के काम को करके अच्छा रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहाँ पर बिना कंप्यूटर के कोई अकाउंट नहीं रखता है, GST का काम दे सकते हैं, इनकम टैक्स का काम देख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ITR भरी जाती हैं। इसमें अन्य विषय के विद्यार्थी कम सफल होते हैं बनस्पत कॉमर्स के, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर एक विषय आता है जिसमें बिजनेस के जितने लॉ हैं, चाहे वो कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स लॉ हो या अन्य कानूनी जो व्यापारिक लॉ हैं, उन्हें पढ़ते हैं और इसके बाद जब वो व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल में उन्हें अपनाते हैं तो शीघ्रता से वो जल्दी पकड़ सकता है। और हर नौकरी वाले को, हर व्यापार प्रतिष्ठान को अपने मासिक, त्रैमासिक रिटर्न भरवाने होते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो ये काम भी कर सकते हैं, किसी CA के पास जा करके और ये कार्य सीख सकते हैं और अपना रोजगार अच्छा चला सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं और ICWA कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन करने वाला हो MBA करो, BBA करो, ये सारी डिग्री ऐसी हैं जो अच्छा रोजगार आपको मुहैया करा सकती हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या सबको मिल जाएगा? नहीं। जो ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से अपने विषय का अध्ययन करता है वही आगे इस प्रतियोगिता के युग में, इस कंपटीशन के युग में बढ़ सकता है। देखिए, डिमांड तो इसलिए है कि अब हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गई, हर आदमी प्रत्येक कार्य को ऑनलाइन नहीं कर सकता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और खासकर उस वाणिज्य को पढ़ करके, और ई कॉमर्स एक विषय आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसे पढ़ करके वो हर एक व्यापारी का ये काम देख सकता है। और जहाँ तक CA की बात है, CA केवल आपके कंपनी के संबंध में या व्यापार के संबंध में जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपना सकते हैं और कुछ अकाउंट्स देख सकते हैं। बाकी करना तो आम बच्चों को है जो प्रैक्टिस करते हैं इसके CA के अंडर में रह करके, और तब वो अपना रोजगार उनके पास जाकर के, उनके पास बैठेंगे और सीखेंगे, तभी जाकर के वो पूर्ति कर सकते हैं। एक अकेला CA सबकी पूर्ति नहीं कर सकता, उसके अंडर में जितने लोग बैठते हैं, CS के पास जाके बैठते हैं और उनकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, तो बहुत सारे कामों को जो CA करता है वो उस बच्चे भी व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं। देखिए, CA बनने के लिए ब्रिलियंट होना जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब
जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चा ध्यान से पढ़े, और ध्यान से पढ़ेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में। लग्न लगातार लगे रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। एक निश्चित है कि निरंतरता अवश्य होनी चाहिए किसी कार्य के लिए। निरंतरता नहीं रहेगी तो किसी कार्य में, चाहे वो पढ़ाई का कार्य हो या कोई व्यापार कार्य हो, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, प्रयास करना अवश्य है, प्रयास करेंगे तो जी मिलेंगी सफलता, या जिसे कहना चाहिए तजुर्बा, और दोनों ही नायाब चीज है। सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है, सफलता नहीं मिलती है तो तजुर्बा मिलता है कि आगे करके चल करके हम ये देखें कि कहाँ पर हमारी कमी रह गई, और बार बार प्रयास करेंगे। एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़बत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़े निशान। बार बार कुएं से जब पानी खींचते रस्सी से तो कठोर से कठोर पत्थर पर भी उस रस्सी का निशान बन जाता है। उसी प्रकार से हम निरंतर अभ्यास करें किसी चीज का तो ऐसी कोई चीज नहीं है, भागीरथी प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन गंगा अवश्य मिलेगी और हरेक को सफलता प्राप्त। हाँ, CA बनना हो, ICWA बनना हो, CS बनना हो, मेरे ख्याल से घर पर कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई बहुत जरूरी है, अन्यथा क्योंकि लार्ज स्केल पे है इसका जो सिलेबस है, लार्ज स्केल पे है, पहले तो उसको समझना, फिर उसको याद करना, और फिर उसके बाद उसका व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी कार्य है थ्योरिकल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, शुरुआत से जब पढ़ाता हूं विद्यालय में तो बच्चों को इस प्रकार पढ़ाता हूं कि कल को वो बैंक में जाएं तो वो किसी से ये ना पूछें कि मुझे रुपये निकालने हैं कौन सा फार्म भरा जाएगा, या रुपये जमा कर रहे हैं तो कौन सा फार्म भरा जाएगा। मैं आज 10वीं क्लास में या 11वीं 12वीं क्लास में जाता हूँ तो उनको वो सारे बैंकिंग के कार्य सिखाता हूँ, उनसे प्रत्येक स्टूडेंट से मंगाता हूँ स्लिप, ये जमा की पर्ची है, ये निकासी की पर्ची है, ये ड्राफ्ट की है, DD कैसे बनता है, आप पैसे कैसे जमा करते हैं, और FD कैसे बनती है, विभिन्न प्रकार के खाते किस प्रकार खोले जाते हैं, और खाते खोलने के जो फार्म होता है वो कैसे भरा जाता है, ये होता है प्रैक्टिकल, इसे कहते हैं नवाचार। जब तक हम लोग बच्चों को अपने नए तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ाना चाहिए, सरकार की मंशा भी यही है कि हर विषय में प्रैक्टिकल हो। अक्सर देखा जाता है, आपने देखा होगा कि साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं और वाणिज्य में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं कहता हूँ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई कराए जब ना, और बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बैंक के सारे लेन देन जो होते हैं, एक विद्यार्थी को 10वीं क्लास तक आ जाना चाहिए, लेकिन वो ग्रेजुएशन कर जाता है फिर भी वो ही नहीं जान पाता है कि खाते कैसे खोलेंगे, पैसे कैसे निकलेंगे, पैसे जमा कैसे होंगे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, ये सारी करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज बैंक के बारे में, कंपनियों के बारे में, शेयरों के बारे में बच्चों को होनी चाहिए। और अखबार पढ़ना चाहिए, अखबारों में डेली जो बिजनेस न्यूज आती है उसको पढ़ें, और उसमें कोई भी कठिनाई होती है तो वो जाकर अपने शिक्षक से पूछें, अध्यापक से पूछें कि सर बताइए शेयर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसके बारे में। जब 10वीं क्लास से ये लगन लगेगी, उसे आगे लग जाएगी, तो आगे चल करके वो पढ़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो उसके लिए आसान बन जाएगी। क्या शेयर होता है, क्या डिबेंचर होता है, कब शेयर के भाव बढ़ते हैं, कब घटते हैं, क्यों घटते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को मैं तो ये कहता हूँ कि कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये अवश्य जानकारी लें कि ऐसा क्यों हुआ। जब तक बच्चों को ये मालूम नहीं पड़ेगी क्यों हुआ, तो वो केवल और केवल रटने वाली बात हुई, और रटंत विद्या फलंत नहीं, और फलंत है तो अवंत। ये ध्यान रखिए, वाई अप्रोच का प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी, तभी आगे चल करके कड़े से कड़े मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ये थे मेरे साथ में कॉमर्स के टीचर जयप्रकाश सर, और आज इन्होंने बताया कि जो CA कॉमर्स पढ़ के किस तरह से अपने कैरियर को बनाया जा सकता है। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.patrika.com। निर्मल राजपूत, पत्रिका TV, मथुरा।